Tell me all the facts. मैं यहाँ सब बता दूंगा लेकिन कोर्ट में कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है वो मेरे पे छोड़। मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के मोस्ट अंडररेटेड एक्टर अक्षय खन्ना की, जिनको आप बॉर्डर, ताल और हंगामा जैसी मूवीज से जानते होंगे। मरने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। बेकार की टेंशन हमें प्रॉब्लम में डाल सकता। अक्षय खन्ना का करियर तो बहुत लंबा है लेकिन हिट फिल्म्स की तादाद बहुत कम, लेकिन अगर इनकी एक्टिंग की बात करें तो उसमें इनके फुल मार्क्स हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। मुझे तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर। मेरी जो पर्सनल फेवरेट मूवीज हैं वो हैं सेक्शन 365, इत्तेफाक और दृश्यम 2। अगर इन फिल्म्स में आप अक्षय खन्ना की एक्टिंग देख लें तो लिटरली आप इनके फैन हो जाएंगे। मेरे को क्यों मारा? मैंने शेखर को नहीं मारा है। विक्रम ने शेखर को मारा क्यों? जो आदमी अपनी बीवी को मार सकता है। अगर मैं इन्हें एक्टिंग की मिसाल बोलूं तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि जिस एरा में हीरो अपने लुक्स पे चलते थे उस एरा में ये अपनी एक्टिंग पे चलते थे, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में इनके बाल जो हैं वो झड़ गए थे। ना सब कुछ होने के बाद तुम वापस गई रोहन खुराना के घर, वो भी दो बार अकेली। इनकी एक और मूवी बताता हूँ जिसमें इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता था, उस मूवी का नाम है दिल चाहता है। उसमें आमिर खान और सैफ अली खान जैसे दिग्गज एक्टर्स भी थे, पर इनकी एक्टिंग ने वहां भी सबको मात दे दी। कैसे बंद करना है आके बता दो ना। मगर आज भी इनको सुपरस्टार का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि बॉलीवुड का एक उसूल है भाई कि अच्छे एक्टर्स के आगे सुपरस्टार का टैग लग ही नहीं सकता। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? बाकी आपको कॉमेडी देखनी हो, एक अच्छा विलन देखना हो, एक रोमांटिक हीरो देखना हो तो आप इनकी फिल्म्स में देख सकते हैं, क्योंकि अक्षय खन्ना ने अपने करियर में हर किस्म की एक्टिंग करी है।